नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज सदर कोतवाली में फ्रीजर बना शोपीस काफी महीनों से खराब, नहीं हुआ सही। आमजन को होती है पानी पीने की दिक्कत। कन्नौज सदर कोतवाली में नगर पालिका की तरफ से लगाया गया फ्री फ्रीजर शोपीस बना हुआ खड़ा है। कई महीनों से खराब फ्रीजर अभी तक सही नहीं हुआ। आने जाने वाले फरियादियों को पानी पीने में दिक्कत होती है। वहीं शिव कुमार ने बताया कि उन्होंने फ्रीजर ठीक कराने के लिए कई बार नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ को अवगत कराया, उसके बाद सीओ सिटी को भी अवगत करा चुके थे कि फ्रीजर सही कराया जाए ताकि आने जाने वाले फरियादियों को पानी पीने की काफी दिक्कत होती है, लेकिन अभी तक किसी ने एक ना सुनी। ऐसी भीषण गर्मी में कोतवाली ने फरियादियों के लिए पानी पीने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार राजपूत। क्या करने आए अभी कोतवाली में? अरे कोतवाली में अपनी जनता सेवा करने आए, जनता के लिए आए थे। यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पर फ्रीजर खराब पड़ा है यहाँ पर काफी दिन से, और जनता प्यासे मारे बड़ा तड़प रही है, इधर उधर भाग रही है, ना पानी को मिल रहा है ना कुछ, काफी दिन हो गए हैं। आपने किसी से कहवाया था? अरे कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, चेयरमैन साहब से कर चुके हैं कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यो साहब भी कह चुके हैं, यो साहब से भी कोई घंटे समझता सुनता ही नहीं है। और पुलिस प्रशासन इसमें क्या करें, जब नगर पालिका के लिए ये दिया हुआ है तो नगर पालिका ठीक करेगी? इसका चेयरमैन देखें, यो देखें, और कौन देखेगा? पानी लगाओ ना, जो है ना, मैं क्या लगाई थे।